गत दिनों कुशीनगर में जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी, जिससे कि पूरा का पूरा आबकारी महकमा हिल गया था। गोरखपुर में भी जहरीली शराब के खिलाफ एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देशन पर कई जगह छापेमारी की गई, जो कि अभी तक जारी है। राजघाट थाना क्षेत्र के अमृतानी में पुलिस को इस बाबत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कच्ची शराब जो कि धीरे धीरे कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है, उसे जेसीबी से तबाह किया गया। आबकारी और पुलिस महकमे के इस अभियान में जहां एक ओर भारी मात्रा में लहन नष्ट किए गए, वहीं दूसरी ओर लगभग 300 लीटर शराब भी बरामद हुई। मौके पर कच्ची शराब बनाते हुए दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आबकारी और पुलिस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में एसपी तिवारी जो कि ज्वाइंट एक्साइज कमिश्नर हैं, आरके सिन्हा डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, विजय प्रताप सिंह जिला आबकारी अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में आबकारी निरीक्षकों और सिपाहियों की मौजूदगी रही। वहीं पुलिस विभाग की ओर से भी इस अभियान की कमान इंस्पेक्टर राजघाट ने संभाली। इस बारे में हमारे सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा है कि जब तक इस कच्ची शराब के कारोबारियों की कमर तोड़ नहीं दी जाती, ये अभियान जारी रहेगा। भोर में राजघाट थाना क्षेत्र के मुतानी में जहां पे कच्ची दारू बनने की सूचनाएं मिलती रहती हैं, थाना राजघाट की पुलिस टीम ने वहाँ दबिश देने का कार्यक्रम शुरू किया था। बरामदगी चल रही थी और कच्ची के जो लहन नष्ट किए जा रहे थे। अभियान शुरू होने के लगभग 2 घंटे बाद एक्साइज आबकारी की टीम भी पहुंची है और फिर ये ऑपरेशन ज्वाइंट हो गया। लगभग वहां पे 300 लीटर कच्ची दारू और कई हजार लीटर लहन नष्ट किए गए हैं और 2 आदमी हिरासत में लिए गए। हाँ, वहाँ की भौगोलिक स्थिति जहाँ पे इस तरह की थी, जहाँ जेसीबी यूज हो सकती थी, कुछ जगह प्लाटिंग चल रही थी, तो वहाँ जेसीबी जाके